दलित पीड़ित शोषित जनते का खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेहा डेकम आपके लाइव एक नई खबर। नागपुर जिले के कामठी तहसील के अंतर्गत आने वाले गोविंदगढ़ मसाड़ा की ग्लोबल फूड्स हरा बाटाना की फैक्ट्री बंद करने की नागरिकों ने की है मांग। मसाड़ा स्थित ग्लोबल फूड्स हरा बाटाना फैक्ट्री का गंदा पानी रिहायशी एरिया के महक लेआउट में करीबन 20,000 स्क्वायर फीट में फैलने की वजह से स्थानिक नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के नागरिकों ने बनाए बोरवेल का पानी अब भी प्रदूषित हो चुका है तथा वो पीने के योग्य नहीं है। ग्लोबल फूड्स फैक्ट्री का गंदा पानी स्थानीय महक लेआउट परिसर में छोड़ने के वजह से बच्चों को मलेरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां बढ़ चुकी है। परिसर के नागरिकों ने स्थानीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा आरोग्य विभाग को बारम्बार निवेदन देने के बावजूद इस फैक्ट्री पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए मैदान तो बनाया है, लेकिन इस मैदान में आधा फीट करीबन गंदा पानी का रिसाव होने की वजह से यहाँ पर बच्चे ना खेल सकते हैं ना दौड़ सकते हैं। महक लेआउट मसाड़ा गोविंदगढ़ के नागरिकों ने इस फैक्ट्री को तुरंत बंद करने की मांग की है, अन्यथा इसके खिलाफ में चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी स्थानीय नागरिकों ने दी है। ग्लोबल फूड फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, ग्लोबल फूड फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। मसाड़ा सरपंच मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मसाड़ा सरपंच मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मसाड़ा सरपंच मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मसाड़ा ग्राम पंचायत सदस्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मसाड़ा ग्राम पंचायत सदस्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हम पहुंचे हैं नागपुर जिले के कामठी तहसील के अंतर्गत आने वाले गोविंदगढ़ जो इलाका है मसाड़ा ग्राम पंचायत जिसके अंदर आता है वो, और यहाँ का जो लेआउट है महक लेआउट करके है, उस लेआउट में उसके बाजू में लगकर एक हरा बटाना अन्नस की फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री का जो हरे बटाने का जो पानी है, पानी की गंदगी दुर्गंध आप देख सकते। फैक्ट्री से लेकर करीबन 1.5 से 2,000 फीट के दायरे में वहां पर उसका पानी का रिसाव हो चुका है बहुत बड़ा, और आजू बाजू के परिसर के करीबन 35 से 40 जो घर है, घर मालक है, उनके जो पर्सनल उनके जो बोरवेल है, बोरवेल में वो पानी आ चुका है, जिसके वजह से पानी के जो स्रोत है पूरे खराब हो चुके हैं, पानी पीने के लायक नहीं है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर उपस्थित नागरिकों से कि भैया उनकी क्या तकलीफ है, आखिर कारखाना मालिक जो है वो मालिक इसके बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं करा, पानी का स्रोत जो है पूरे खराब हो चुके हैं और लेआउट में पूरी गंदगी फैल चुकी है। आज हम बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय पब्लिक है, नागरिक है, उनसे। चाची आपका पूरा नाम क्या है? नजमा बेगम। हाथ निकालो। मुझे एक बात बताइए कि कितने सालों से यहाँ पर फैक्ट्री है?
ये फैक्ट्री 4 साल हो गए होंगे शायद, 4-5 साल हो गए होंगे, लेकिन अभी पानी बहुत छोड़ रहे वो। आपके लेआउट में करीबन ये आपका जो महक लेआउट है, ये पानी यहाँ पर जो रिसाव हुआ है फैक्ट्री के पानी का, ये कितने दिनों से? 3-4 साल हो गए ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे मच्छर हो रहे खूब, और ये मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, सब बच्चे बीमार हो रहे, उल्टी, पैखाने सब हो रहे हैं। तो आपने इसके बारे में स्थानीय जो ग्राम पंचायत है, वार्ड मेंबर है, उनको आपने कोई कंप्लेंट की है? करे है। उनका क्या कहना है? वो भी कुछ नहीं करते, उनको फैक्ट्री वालों को बोले वो आके देखते चले जाते, बस वो ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, वो डालेंगे चले जाते, कुछ भी नहीं करते उन लोगों। तो अभी आपकी मांग क्या है? पानी बंद हो। पानी बंद हो? हाँ। पानी इधर नहीं आने, इधर नहीं आना चाहिए पानी, उसका अपना कोई इंतजाम। अभी आपके परिसर के जो खुद के पर्सनल जो बोरवेल है, आप लोगों ने खुदा है, उस बोरवेल का पानी पीने लायक है नहीं, ऐसा आपका कहना? हाँ, हाँ। जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान के बारे में आपकी क्या मांग है? भरपाई कर। चाचा आपका पूरा नाम क्या है? अब्दुल अलीम। मुझे एक बात बताइए कि कितने दिनों से पानी की समस्या है, रिसाव हो रहा है? ये 5-1 साल से। पाँच साल से? तो ये पानी का रिसाव होने से आपको मतलब आरोग्य की क्या समस्या है, आपके मतलब सेहत के बारे में क्या समस्या? तबीयत खराब चल रही है, हमारे बोरिंग में पानी उतर गया पूरा। वो तो बोरिंग का पानी अभी पीने लायक है नहीं है ना? नहीं है, टेस्ट करा लो। अच्छा। हाँ। तो पानी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लो। कराओ ना। तो अभी आप मुझे बताओ कि दिन भर तो यहाँ के जो मतलब पुरुष वर्ग जो अपने काम धंधे से लगे रहते हैं, हाँ हाँ। घर में बहुत कम रहते हैं, लेकिन हाँ। महिलाओं को यहाँ पर दिन भर रहना पड़ता है, बहुत तकलीफ। और बच्चों को रात को भी क्या बांस वगैरह की कुछ तकलीफ? पूरी बांस आती है, आप कूलर नहीं चला सकते, पूरा कूलर गंदगी। अच्छा, कूलर जो है वो बाहर की जो गंदगी बांस है वो अपने अंदर खींच लेता है। तो आपको रात को फिर क्या नींद नहीं आती? नहीं, रात भर नींद नहीं। आपका पहले तो परिचय बताइए आप। शाहिद शेख। ये जो तकलीफ चल रही है, तकलीफ कितने दिनों से? ये तकलीफ 4-5 सालों से ये तकलीफ है, और अभी बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में आपने कभी ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत को कंप्लेंट किए? वीडियो ग्राम पंचायत, वीडियो मैडम, तहसीलदार, इनको मैं बारंबार कंप्लेंट दे चुका हूँ। अच्छा। लेकिन उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। अच्छा। क्योंकि ये लोग आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई ना होने के पीछे क्या 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 राज हो सकता है? ये कार्रवाई अब कोई करे या ना करे, लेकिन ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए हर हालत में, और इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये आरोग्य विभाग ने इसके ऊपर, हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, हमारे घर के आजू बाजू पूरा गंदा पानी है, पूरा बोर में पानी आ गया, हम ना नहा सक रहे, ना पानी पी सक रहे, और उसके वजह से हम बहुत तकलीफ में हैं। अगर हमारे आरोग्य के ऊपर कुछ हुआ तो उसका पूरा क्लेम फैक्ट्री वाला देगा। तो आपकी मांग ये है कि भाई ये कारखाना जो है ग्लोबल फूड्स करके ये बंद हो जाना चाहिए, कारखाना ही बंद होना चाहिए, कारखाना ही बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो जिस जगह पर है, हाँ। ये फैक्ट्री एरिया की जगह पे नहीं है, फैक्ट्री से रहवासी एरिया में जगह पे आया हुआ है। अच्छा। ये फैक्ट्री एरिया उधर है, जिधर बाकी फैक्ट्रियां हैं उधर साइड ये चले जाए, यानी ये बस्ती में फैक्ट्री है? ऐसा बस्ती में फैक्ट्री है। अच्छा। तो बस्ती में फैक्ट्री बोले तो बस्ती ये कितने सालों से, और ये फैक्ट्री कितने सालों से? फैक्ट्री की तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 2017 से जब से आया हूँ तब से फैक्ट्री देख रहा हूँ, और तभी से ही हमको तकलीफ है। उसके लिए हमने कई बार वो मालक को बुलाए, उसको बोले, वो लाता है ब्लीचिंग, आजू बाजू ब्लीचिंग डाल देता है। तो ब्लीचिंग डालने से ये समस्या हल होने वाली? होने वाली है ना, उसी के लिए हमने उनको बोले कि भैया तुम इसका उचित पर्याय करो, या तो फिर फैक्ट्री बंद कर दो ये। अच्छा। तो उनका क्या कहना है? वो बस हाउ बोलते हैं, लेकिन ना सरपंच काम कर रहा है, ना सचिव कोई काम कर रहा है, सिर्फ ग्राम पंचायत आती है, देखती है और चले जाती है, बोलते हम नोटिस दे रहे हैं। उस फैक्ट्री वाले को नोटिस देने से हमारा क्या फायदा है? अच्छा। हमारा तो नुकसान ही नुकसान है हर एंगल से। अभी हमको पानी पीने का, बाथरूम जाने के लिए हमारे को तकलीफ है पानी की, हमने कैसे कब तक दूसरे के यहाँ से पानी भरना और उसका क्या करना? अच्छा। इसका उचित इंतजाम बीडीओ मैडम ने करना चाहिए, और हमारी पूरी तरीके से मांग है फैक्ट्री बंद होना चाहिए, और हमारे बोरवेल का जो कंपनसेशन है उसमें फैक्ट्री वाले ने हमको देना चाहिए। अच्छा। यदि आपको कंपेंसेशन, यदि फैक्ट्री मालक जो है ग्लोबल फूड्स कंपनी जो है उनके माध्यम से यदि आपको कंपेंसेशन नहीं मिलता है और ये पानी बंद नहीं होता, तो आपकी अगली भूमिका क्या है? मैं उसके लिए ऊपर तक जाऊंगा, पालक मंत्री से मिलूंगा। कोई आंदोलन वगैरह करने की कोई? बिल्कुल, चक्का जाम कर देंगे हम लोग, उसके फैक्ट्री के बाहर चक्का जाम कर देंगे, और पूरी तैयारी हमारी चक्का जाम करने की। अगर वो सीधे तरीके से नहीं माना तो टेढ़ी उंगली करना ही पड़ेगा। इधर आइए। चाचा जी आपका पूरा नाम क्या है? गुलाम रब्बानी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये यहाँ पर जो फैक्ट्री के वजह से स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है, तो अभी आप क्या चाहते हो? ये तो नहीं होना चाहिए, पहले कंप्लेन कर दिए तो कंपनी को सोचना चाहिए कि यहाँ रह रहे हैं लोग, तकलीफ जा रहा है,
नुकसान होगा जनता का, तो ये तो व्यवस्था करना चाहिए ना। और जनता का नुकसान, जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है, ग्राम पंचायत के मेंबर हो या सरपंच हो, इन लोगों की भूमिका आपको क्या लगती है, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर? देखिए आगे बोला तो जा रहा है, बोलते हाउ हाउ बोलते हैं, मगर करते नहीं। पिछले दो चार सालों से समस्या बनी है, लेकिन ग्राम पंचायत कुछ भी नहीं कर रहा है। खुद भी देख, आप खुद भी देख रहे हैं क्या पोजीशन है, कैसे आदमी रहेगा, आप खुद भी देख रहे हैं। और इसमें क्या बोलूं मैं, हाउ हाउ बोलते और करते नहीं, बस यही बात है। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय नागरिकों का कहना तो यही है कि भाई ऊपर ऊपर तो जनप्रतिनिधि, यहाँ के ग्राम पंचायत मेंबर हो या सरपंच हो या फिर सचिव हो, ये लोग बोलते हैं कि भैया हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जो है लोगों के सामने या हमारे मीडिया के सामने, आज हमने वंश न्यूज चैनल के माध्यम से महक लेआउट जो है, महक लेआउट में हमने पूरा दौरा किया, और दौरा करने के बाद में ये पता चली है कि 2000 स्क्वायर फीट में हरा बटाना का पानी जो है, ग्लोबल फूड्स कंपनी का पानी, पूरा पानी 2000 स्क्वायर फीट के आसपास लगभग फैला हुआ है, जिसके वजह से लोगों के, स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के साथ में बड़ी खिलवाड़ हो रही है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे साइड में यहां पर एक ग्राउंड है, छोटे बच्चों का ग्राउंड है, आप देख सकते हैं उस ग्राउंड में करीबन आधा एक फीट जो पानी है, पानी रिसाव पानी का हो चुका है, और उस पानी के रिसाव में हरे बटाना का जो पानी है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सचमुच यहाँ बच्चे खेल सकते हैं क्या? बच्चों को खेलने के लिए यहाँ ग्राउंड तो है, लेकिन ग्राउंड में जिस प्रकार से जो गंदगी छाई है, पानी पूरा भरा हुआ है, ये पानी जो है पूरा गंदगी से भरा हुआ लबालब पानी है, और इसके ऊपर ना स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आ रही है, ना पंचायत समिति की कोई टीम आ रही है। हम भी ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम, पंचायत समिति के BDO मैडम, पंचायत समिति के सभापति मैडम, इन लोगों ने अपने टीम के साथ में यहां पर आकर स्पॉट का मुआवजा करें, और इस फैक्ट्री का जो रिसाव जो बढ़ चुका है, गंदगी जो बढ़ चुकी है, गंदगी को रोका जाए। यदि गंदगी रोकने में वो नाकामयाब यदि होती है, तो आप इस कंपनी को तुरंत बंद करने का जो फैसला है वो लेना चाहिए, वरना आगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो नागरिक फैक्ट्री को बंद करने के लिए अपना आंदोलन चलाएगी, ऐसी जानकारी यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने दी है। आप देखते रहिए वंश न्यूज चैनल, मैं सुनील सारे मुख्य संपादक वंश न्यूज, गोविंदगढ़ मसाला ग्राम पंचायत के परिसर से। खबर और विज्ञापन हेतु आप हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील सारे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।